so good afternoon everyone this is the revision class first for around say 30 minutes then we'll carry on further okay so let's start so sabse pehle humne iske andar jo abhi tak padha hai that was about the alphabets okay alphabets we studied right let's speak once sunny bol do alphabets a b c d e f g g h i j k l m n o p U R S T O W X Y Z Yes, absolutely fine. Then we studied about salutations. Salutations. Kajal, can you repeat what all salutations we learn? So no, I, I, I was not in that class, so I don't know them.

उसके बाद हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे जैसे इनवी तासियो इनविटेशन इनवी ते कॉन्फर्म में सो मैजिकल स्पोर्ट प्रोग्राम का एक पार्ट था वो हमने स्टडी किया था उसके बाद हमने पढ़ी थी वर्ब्स वर्ब्स के अंदर हमने पढ़ी थी एत्र right? का मतलब होता है टू बी किसी चीज का होना आई एम यू आर और आवुआर का मतलब अबाउट दी आव आर वर्ब दैट वी स्टडीट उसके अलावा हमने पढ़े थे नंबर्स इन फ्रेंच राइट नंबर्स इन फ्रेंच नंबर्स कौन कौन से होते हैं का

सेंटेंस फॉर्मेशन हमने किया था राइट फिर हमने ये किया था दैट वॉज ऑल दैट वी डिड टिल नाउ ओके सो आज हम करेंगे वन बाय वन काफी इंपॉर्टेंट चीजें सो लेट्स स्टार्ट विध पार्ट ए सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ प्रेजेंट योर सेल्फ आपको अपने आप को शो कैसे करना है कि भाई ओके माई नेम इज जसप्रीत वाट इज योर नेम ओके आई एम थर्टी इयर्स ओल्ड ये सब चीजें हम कैसे बोलते हैं या बेसिक कम्युनिकेशन भी कह देते हैं हम इसको हाउ टू प्रेजेंट एंड बेसिक कम्युनिकेशन ओके बेसिक कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अच्छा ऊपर हमने एक चीज और भी पढ़ी है मिस कर गए हम दैट वाज अबाउट दब्जेक्ट प्रोनाउ सब्जेक्ट उन यह भी पढ़ा था ना ठीक है सब्जेक्ट प्रोनाउन यूटो इट सोटेक्टनाट योर सेल्फ इसमें हम सबसे पहले यह पढ़ेंगे कि हम सब अपने आप को बोलते हैं ये वाले को बोलते हैं थ्यू अगर इनफॉर्मल स्पीच है राइट इनफॉर्मल स्पीच है फिर इल मतलब ही उसके बाद हमने पढ़ा था एल एल मतलब शी होता है फिर हमने पढ़ा था वो वो का मतलब यू या यू ऑल फिर हमने पढ़ा था नू नू का मतलब वी और फिर हमने पढ़ा था एल्स और फिर हमने पढ़ा था एल्स दैट्स एल एंड एल ओके दैट वाज दे मेल एंड दे फीमेल ये भी पढ़ा था हमने ओके नाउ देयर इज अ वर्ड बाय द नेम ऑफ कमेंट ओके सी ओ एम ई एन टी कमेंट इसको हम बोलते हैं कॉमो फ्रेंच में बोलते हैं कॉमो कॉमो का मतलब होता है हाउ ठीक है जैसे हमने कहा हाउ आर यू सो कॉमो हाउ डू यू कॉल योरसेल्फ सेल्फ कोमो हाउ मिज कोमो यहां हम कहते हैं इंग्लिश में हाउ फ्रेंच में कहते हैं कोमो कोमो भाई कैसा है भाई कैसे कोमो हाउ आया बात समय सो दिस इज हाउ विल स्पीक कोमो हाउ सुमो हाउ कोमो हाउ जैसे मैं इंग्लिश बना के बोला हूं कोमो ऐसे बोलना हाउ हाउ कोमो कोमो कमोनी कोमो ओके सो कोमो मीनस हाउ अब अगर हम बोलते हैं वू वू मतलब होता है यू रेस्पेक्ट आप राइट उसके बाद हमने एक वर्ड बोला आप पले पले आप इसको बोलते हैं आ पले आप पले इसका मतलब होता है स्पेल योर नेम स्पेल योर सेल्फ ओके okay. स्पेल कैसे करते हैं ओके okay. स्पेल खाली स्पेल या फिर कॉल कर लो हाउ डू यू कॉल योर सेल्फ ठीक है? So, वो आप. और आपले word, होती है आपले का मतलब होता है स्पेल या कॉल स्पेलिंग बताओ आपले हाउ डू यू कॉल या फिर कॉल कैसे करते हो अपने आप को कैसे बुलाते हो ठीक है अगर मैंने लिखा कॉमो आप दिस इज कॉमो वु जापले एस के बाद वोवल आ रहा है तो यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है आपका लियाजन लियाजन फॉर्मेशन हो रहा है ठीक है कॉमो वु जापले वू ठीक है तो ये एक फ्रेज की तरह होता है इसका मतलब ये होता है हाउ डू यू कॉल योर सेल्फ दैट मीन्स इन वे में

Me, myself, और म, आपेल है। लेकिन जब दो वे तो लग गया। क्योंकि ज के साथ अगर दो आ रहे होते हैं तो पॉस्ट ऑफ लगता है जैसे हमने लगाया था जे जे ठीक है उसी तरह से ज म आपेल में हम लिखेंगे जमा पैल जमा पैल जसप्रीत ओके क्या बोलेंगे इसको य मैट इज जसप्रीत गो पॉइंट सो अगर मैंने कहा आपसे सनी कॉमोव आप लेव तो आप रिप्लाई दोगे जमा पैल सनी जैसे मैंने पूछा कॉमोवेवु सनी जमा नहीं जमा पहल सनी जसनीत या कॉमोवेव काजल मोनिका आर यू देयर आवाज आ रही है आप लोग को काजल एंड मोनिका हैं। नमिता सॉरी आवाज आ रही है आ रही है आप आ रही है। हाँ कॉमो वो सापले वु। बोलो जमा पहल अंबिका जमा पहल नमिता नमिता सॉरी ओके मैं एक्चुअली मैंने ये मिस कर दिया था ये जमा पहल मीन क्या था जमा पहल का मतलब होता है आई कॉल माय सेल्फ माइंड ठीक है जल yes, हाँ बोलो पेल, ने, वु, जापले वु, है? जमा पेल काजल यस yes, जमा पैहल काजल तो जमा काजल आई कॉल myself सेल्फ काजल अगर हमने ये बोला है कॉमो वो जापले वो तो दैट इज फॉर्मल हेलो, फॉर्मली हम किसी बड़े से पूछ रहे हैं सर आपका नाम क्या है बेटा आपका नाम क्या है इस तरह से तो हम बोलेंगे कॉमोवू जाप ले अदरवाइज हम बोलते तेरा नाम क्या है दैट इज कॉमोल बन गया कॉमो त्यूता पेल कॉमो त्यूता पैलेस हाउ डू यू कॉल योर सेल्फ

हमने इसका ले लिया मैजिकल स्पोर्ट से हमने बनाया आबीते वर्ब नाली आबीते है क्या आबीते आबिते का मतलब होता है टू लिव समवेयर राइट अब अगर मैंने कहा आबित ज आबीत इंदिरापुरम ओके okay? आई लिव इंदिरापुरम ठीक है आई लिव इन इंदिरापुरम ये ना इसमें ए विदो लगता है उसका मतलब होता है इन टू एट इन ये मैं आपको दिखाता हूं कैसे लिखा जाता है ये नया फ्रेज है ए विद आईगो बोलते हैं इसको ऐसे लिखा जाता है कुछ ठीक है ये ऐसे स्क्रीन पे दिख रहा है आप सबको ये वाला ठीक है ये ऊपर ऐसे डंडा सा लगा देते हैं टेढ़ा सा इसका मतलब हो गया ये आ विद एन आईगू ये ऑक्सो होती है मात्रा होती है ये जो ए विद एन ऑक्सो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है आपका टू एट इन ओके कॉपी करा हमने यहाँ से और जो है हम अपने वर्ड फॉर्मेट में और हमने यहां पे लिख दिया ठीक है तो ये लिख दिया ये आ इंदिरापुरम तो ये जो ए एदन आईगु बोलते हैं इसको मात्रा को इसका मतलब होता है इधर टू एट और इन तीनों मतलब इसी के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कॉन्टेक्ट इन विच वी आर स्पीकिंग ओके सो दिसमुप्रीत आबित ज आबिता इंदिरापुरम आई लिव इन इंदिरापुरम ठीक है आई लिव इन इंदिरापुरम अब अगर हमने पूछना है जैसे मैंने आपको बताया था एक और चीज बताता हूं टाइप्स ऑफ इंटरशन सब वर्ड्स जैसे कि हमने कहा कॉमो कॉमो का मतलब क्या था हाउ एक वर्ड होता है कैल -E क्यू यूएल कैल का मतलब होता है व्हाट राइट एक वर्ड होता है ऊ ठीक है ऊ का मतलब होता है वेयर जैसे अपने कहा वेयर समझ गए सो यू कहांस वेयर ठीक है सो कैल मीन्स वॉट कॉमो मीन्स हाउ एंड ऊ मीन्स वेयर ठीक है एक होता है क्यू यू ओ वाई इसको हम बोलते हैं क्वा कब वैन या फिर हम कह सकते हैं वट ओके तो दिस इज क्वा मींस वेन भी हो गया ठीक है क्वा हो गया वट हो गया वैन हो गया वेर हो गया वाई होता है वाई ठीक है तो क्वा वाई को भी बोल सकते हैं क्वा मीन्स वाई क्वाई ठीक है so these are सम वर्ड्स उसके बाद आपको पता होना चाहिए मैर्सी मैर्सी का मतलब होता है थैंक्स ठीक है और बोकू का मतलब होता है अलॉट बोकू मतलब अलॉट या वेरी मच थैंक यू वेरी मच मैर्सी बोकू ठीक है तो दिस इज मैर्सी बोकू आ रहा है सबने सबको

फोर्टी पॉइंट और यू जो है इसके ऊपर भी अक्सो लगेगी मात्राएं लगेगी अभी मैं मात्राएं पढ़ाऊंगा सारी आज मात्राएं कैसे होती हैं ठीक है सो दिस इज ऊ आबिते वु वेयर डू यू लिव इतना समझ में आ गया अगर मैंने कहा आई लिव इन इंदिरापुरम ज आबित आ इंदिरापुरम आगे समझ ठीक है चलिए अब हम चलते हैं एक वीडियो की तरफ एक वीडियो की तरफ रही

या इजी फ्रेंच आप इजी फ्रेंच का है ये इसके अंदर हम सर्च करेंगे आपका वो इंट्रोडक्शन ठीक है ये बहुत अच्छा चैनल है इंट्रो इंट्रोडक्शन स्मॉल टॉक इंट्रोडक्शन तो हो चुका है इसमें

केल का मतलब होता है वॉट ओके okay? so, अगर मैंने कहा कैल ए तो इसका मतलब वॉट एस ठीक है अब आप वो वो का मतलब होता है यू एंड वोत्र का मतलब होता है आपका वी ओ ची आर ई वोत्र मतलब आपका ठीक है और वो मतलब होता है यू इनफॉर्मल इन फॉर्मल फॉर्मली आप ठीक है तो वोत्र मतलब आपका so, अगर मैंने कहा वट इज वोत्रोत्रोम तो हमारा जैसे नाम होता है जसप्रीत, ठीक है तो जो इसमें जसप्रीत है इसको तो बोलते प्रेनो प्रेनो पहला नाम ठीक है और जो खुराना है उसको बोलते हैं नोम यानी कि दूसरा नाम वॉट डिट प्रम प्रेनो प्रेनो इज फर्स्ट नेम एंड नोम इज सेकेंड नेम सो मैंने कहा कैले वोत्रोम वट इज योर नेम आई बात समझ में ठीक है क्या बोला उन्होंने कैले प्रेनो लेट्स डू सम्पीड कैले est votre prénom

जलो वेरी गुड पूजा पेनो। पूजा वंडरफुल ओके नेक्स्ट इज मनीता कैले वोत्रो कैले वोत्र प्रेनो ठीक है अब हम आपको एक बात बताएं और कैले वोत्र प्रेनो ओके कैले बेथर इज व्हाट इज योर नेम आपका नाम क्या है सो so इसका आंसर वही होगा जमापेल जसप्रीत ओके okay? अब एक वर्ड में आपको बताता हूं डी अपर इसको बोलते हैं हम दौर मींस होता है ओके ओके द मींस ओके तो उसने कहा हेत है ये उसने कहा ओके okay. प्रेनो क्या ये आपका फर्स्ट नेम है ओके okay. मतलब मतलब दिस इज और आ का मतलब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा आर्टिकल इनडेफिनेट तो अभी हम आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट पढ़ेंगे थोड़ी देर में और फिर हम आगे चलेंगे

हाँ यस मतलब ओ यू आई होता है वी ओके हां था बड़ा अच्छा सा अह दाखते हैं यस यहां पे लिखते हैं नौम इंट्रोडक्शन yeah. है so, सो इसमें आ रहा है नहीं आ रहा सो माई बी इट्स नॉट कमिंग बट ठीक है नो प्रॉब्लम ठीक है सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट लाइफ ओके इतना समझ में आया सबको सो कॉमो वूज कॉमो तू था पहल जमा पेल जसप्रीत इंद्रापुरम कॉमो मतलब हाउ कैल मतलब व्हाट ऊ मतलब बोको इज अट ऊ आबीते वो वेयर डू यू लिव कैले वट इज कैले वोत्रोम और कैले वोत्र प्रेनो इज फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दौर इज ओके यस का मतलब होता है ओ यू आई और हम इसको बोलते हैं वी वी ओके दैट मीन्स यस और नो को बोलते हैं नो ओके नोम और हम बोलते हैं इसको नो दैट मीन्स नो ओके नोम मींस नो सो दिस इज अबाउट बेसिक कम्युनिकेशन नाउ कमिंग डाउन टू द स्लाइड शोज होता है हाँ? नो नो का क्योंकि no. no एम तो बोलोगे नहीं आप ओके okay. चलिए सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद आपने पढ़ा था वर्ब एत्र राइट पढ़ा था ना या अभी ओके या नो सो उसके बाद हमने पढ़ा था आवुअर वर्ब जे किया इला एला नुजावो वू जावे इल जों ओके ये पढ़ा था हमने उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आते हैं ग्रामर में आर्टिकल इनडेफिनिट यानी कि ए एन और सम ठीक है ए एन तो ये जो हम ए एन पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर ठीक है So, आज हम ये पढ़ेंगे ए और एन। आर्टिकल इनडेफिनेट तो सबसे पहले आर्टिकल इनडेफिनेट होता है आ, तो होता है masculine, singular के लिए यानी कि ए और एन। जैसे मैंने कहा a book. A book is a livre. ठीक है ओम मैंने बताया था मतलब मैन होम बनाने वाला मैन ओके सो अनोम व्हाई अनोम बिकॉज एन के बाद वोवल आ रहा है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लियाजन एंड इट बिकम so so a nom is a man. a is a a a a is is man livre 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 book okay okay because I e okay? so, a a, or the ठीक है a livre दूसरा अगर हम feminine की बात करते हैं तो un इसको हम बोलते हैं उन, okay ओके नहीं बोलेंगे या un दोनों ठीक है so un फॉम

अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल डेफिनेट पहले बताता हूँ आर्टिकल इनडेफिनेट अ उन दे अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल डेफिनेट डेफिनेट मतलब जैसे द द बॉय द चेयर द गर्ल अच्छा द सो द मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए ल एल ई -E, ल एल ए ला ल मीन्स वोवल सिंगुलर ओके एंड ले मीन्स मस्कुलर फेमिनिन

लो ले ल ले हो गया समझ में सो दिस वॉज अबाउट योर आर्टिकल डेफिनेट जैसे मैंने कहा द बुक ल लीव द गॉम द इरेजर ओके ला गॉम देन वी हैव ले लीव सम बुक्स ले गॉम सम इरेजर्स इरेजर्स या द द ओके ये इरेजर हो गया क्योंकि सम इरेजर तो दे होता है डेरा समीर इजर्स ओके ठीक है इन वीडियोस को आप दोबारा भी देखना ला आर्टिकल डेफिनेट और ला आर्टिकल इनडेफिनेट ओके गाइस समझ आ गया सबको ओके नाउ ज्वाइन द मीटिंग अगेन विद द सेम आई डी ओके एक बार सब लोग सेम आई डी से दोबारा ज्वाइन कर लीजिए